वेलकम टू ऑटो शेल्फ। आज हम खड़े हैं हीरो की एक्सट्रीम 160R के पास, जो आपको तीन वेरिएंट्स में मिलती है। एक आपको डुअल डिस्क मिल जाता है फ्रंट और रियर दोनों के लिए, एक आपको सिंगल डिस्क में मिल जाता है, और एक आपको 100 मिलियन एडिशन मिल जाता है, जो कि हीरो ने अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च करा है। इसको एक्सट्रीम 160R को लास्ट ईयर लॉन्च करा था हीरो ने। लुक की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है, एक स्पोर्टी लुक के साथ इसे लॉन्च करा गया है। राइवल्स की बात करें तो राइवल्स में इसमें अपाची 164V राइवल करती है और पल्सर की NS160। स्टार्ट करते हैं चाबी के साथ। कुछ बेसिक चाबी आपको ऐसी मिल जाती है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है चाबी में। सभी वेरिएंट में आपको सेम ही ऐसी की मिल जाती है आपको, चाहे आप स्प्लेंडर ले या फिर आप कोई स्कूटी ले, तो उसमें सेम डिज़ाइन की आपको चाबी मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, इसे ऑन कर लेते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में कुछ डिज़ाइन आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। ये आपको प्लास्टिक मिला है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर मिला है, ये आपका हीरो का कॉर्पोरेट लोगो। नीचे की बात करें तो आपको ये दो DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और इसी के नीचे आपको ये लो बीम के लिए और ये हाई बीम के लिए। इसको भी अभी हम जला के देखेंगे। इंडिकेटर लाइट्स आपको ये मिल जाती है LED, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्लीक है और अच्छी लगती है। नीचे की तरफ आए तो नीचे आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट सिंगल डिस्क वेरिएंट, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है 270mm की, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, और पीछे की बात करें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है 130mm का। यहाँ पे फेंडर की बात करें तो वाइट कलर का आपको ये फेंडर मिल जाता है, डुअल टोन आपको फिनिश मिल जाती है इसमें, ये ब्लैक और ये वाइट। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 37mm आपका ट्रैवल के साथ टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक सस्पेंशन मिल जाता है, और रेयर की बात करें तो रेयर में आपको 7 एडजस्टेबल मोनोशॉक रेयर सस्पेंशन मिल जाता है। पीछे आपको इस वेरियंट में ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं 130mm की। साइड की बात करें तो साइड में आपको कुछ छोटे छोटे टचेस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको प्रोग्राम्ड F1 का टच मिल जाता है, जो कि अच्छा लगता है देखने में। इसमें आपको दोनों में सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाता है और किक स्टार्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे आए अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन आपको इसमें 163cc का आपको इंजन मिल जाता है, जो पावर डेवलप करता है 15 HP की पावर 8500 RPM पे, और 14 Nm का टॉर्क 6500 RPM पे। फ्यूल सिस्टम इसमें एडवांस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, जिसकी बैचिंग आप यहां देख पा रहे हैं, जो कि सेगमेंट में अच्छी खासी आपको पावर इसमें मिल जाती है। डिस्क में आपको पेटल डिस्क मिल जाती है। टायर्स की बात करें तो आपको 17 इंच के यहाँ पे फ्रंट में और 17 इंच के आपको रियर टायर्स मिल जाते हैं। मफलर की बात करें तो स्पोर्टी लुक के लिए और जितनी भी कंपटीशन में भी हैं, आपको स्पोर्टी मफलर मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा डुअल टोन कलर देता है। ये ब्लैक है, ये थोड़ा सा डार्क ग्रे है, ये भी अच्छा मिल जाता है आपको। यहाँ पर फुट पैक्स, नीचे यहाँ पर आपको यहाँ फुट पैक मिल जाते हैं। ये ब्रेक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको सिल्वर का टच देखने को मिल जाता है। ये 160R की ब्रांडिंग। ऊपर फ्यूल टैंक की बात करें तो टोटल आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम की बैजिंग, यहाँ पे एक्सट्रीम 160R की बैजिंग, बीच में आपको ये फ्यूल के लिए मिल जाता है। सिंगल पीस आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है, जिसमें जो मेन राइडर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बट विलियंस के लिए स्पेस थोड़ी कम दी हुई है। ये आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए दिया हुआ है प्लेन के लिए दोनों तरफ। पीछे की बात करें तो पीछे आपको H शेप में LED टेल लाइट्स मिल जाती है। यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग, ये थोड़ा यहाँ पे आपको प्लास्टिक का मिल जाता है, ये पता नहीं क्या है। यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर लाइट्स LED मिल जाती है, ये आपको नंबर प्लेट माउंट करने के लिए। साइड में बात करें कलर पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेड टेपिंग मिल जाती है व्हील्स पे, ब्लैक कलर के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 स्पीड का आपको
ट्रांसमिशन मिलता है जो कि थोड़ा कम है। आपको हाई स्पीड पे एटलीस्ट 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलना चाहिए अच्छी पावर के लिए। फ्रंट में आपको ये फ्यूल टैंक डुअल टोन मिल जाता है, वाइट और ग्रेश आपको यहाँ पे फिनिश मिल जाता है। हीरो एक्सट्रीम की यहाँ पे बैजिंग। हैंडल बार की बात करें तो सिंगल पीस आपको हैंडल बार मिल जाता है। उस पर कंट्रोल्स की बात करें तो ये इंडिकेटर के कंट्रोल्स, ये हाई बीम लो बीम के कंट्रोल्स, ये आपको यहाँ पे सेगमेंट की फर्स्ट बाइक है जिसमें आपको हैजार्ड लाइट्स मिल जाती हैं जो कि आप ऑन कर सकते हैं और इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये आपका हॉर्न। इधर की बात करें तो यहाँ पे ये सेल्फ स्टार्ट के लिए आपको स्विच दिया हुआ है किल स्विच के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती है, ऑडोमीटर, स्पीड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे न्यूट्रल के लिए है, यहाँ पे ABS आपको शो हो रहा है इस वेरिएंट में और इसके जो भी वेरिएंट्स है लाइनअप में। इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है जो कि इसकी राइवल में कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको मिलती है। बाकी अभी हीरो एक और इसका जो टॉप वेरिएंट है एक्सट्रीम 200S उसका 4V वेरिएंट को भी लॉन्च कर रहा है, एक्सट्रीम 200S 4V, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मुझे इसमें मतलब अगर बात करें बाइक में जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो सबसे पहले तो ये कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे आपको इंजन के लिए कोई कवर नहीं मिलता है, ना नीचे ना साइड्स में। तो यहाँ पे कवर दिया जा सकता था जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रहता है इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे पिलियंस पे ज़्यादा स्पेस नहीं दी हुई है और पीछे आपको कोई प्रोटेक्टेड गियर भी नहीं दिया हुआ है बस यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको बार कह लो या हैंडल कह लो या कुछ भी कह लो, स्पेस कह लो, बहुत ज़्यादा कम है। और नीचे से आप पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा जो पीछे पैसेंजर राइडर के पीछे बैठा हुआ है उनके लिए। और ओवरऑल बाइक आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ज़्यादा कुछ इसमें इशू बाइक में है नहीं। टोटल आपको इसमें LED लाइट्स मिल जाती है। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन में आपको इसमें 2029 mm की आपको लेंथ मिल जाती है, 793 mm की आपको विड्थ मिल जाती है, 1052 mm की आपको हाइट मिल जाती है। बाकी व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस भी अच्छा खासा आपको 1327 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 167 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टोटल कर्व वेट की बात करें तो जो सिंगल डिस्क है वो आपको मिल जाती है 138.5 किलोग्राम की, जो डुअल डिस्क है वो आपको 139.5 किलोग्राम का मिल जाती है। देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है एक्सट्रीम 160R। आइए इसका एग्जॉस्ट ऑन करके देख लेते हैं एग्जॉस्ट इनका कैसा साउंड करता है। कुछ ऐसा साउंड आता है इसका एग्जॉस्ट का। तो हीरो की 160R एक्सट्रीम आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।